नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। और दोस्तों, आपको पता है कि इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की सीरीज, और इन दिनों आई हुई है राजस्थान PSC के थ्रू ग्रेड 1 यानी कि RPSC लेक्चरर 2022 वैकेंसी, उसकी स्पेशल प्रिपरेशन के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं PTI ग्रेड 3 2018। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए राजस्थान का आज अपने इस वीडियो में लेके आए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव पेपर फिजिकल एजुकेशन में राजस्थान में पूछे जाते हैं। तो मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि PTI ग्रेड 3 2018 का सब्जेक्टिव पेपर यानी कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर लेके आज हम आपके लिए इस वीडियो में आए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 यानी कि शीतकारी क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्राणायाम से इसका संबंध होता है, ऑर्गेनाइजिंग कैंप इन इंडिया इज मॉडल्ड ऑन द, और आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडिजीनियस एग्जाम्पल यानी कि ये एक स्थानीय उदाहरण होता है भारत में संगठित शिविर जो प्रतिरूपित होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डूइंग थिंग, मेकिंग थिंग, एक्वायरिंग थिंग्स मतलब सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, किसके अंतर्गत आता है, और ये सभी आते हैं शिविर के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। हाउ मेनी स्टेजेस इन योगा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 8 स्टेजेस आर देयर, आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल योगा फॉर मेडिटेशन इज कर्म योग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग दैट भारतीय योग संस्थान इज सिचुएटेड इन द सिटी, यानी भारतीय योग संस्थान किस शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ अ कैंप डिपेंड्स ऑन अ केयरफुल सेलेक्शन ऑफ, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आपको बता दें कि जो शिविर की सफलता होती है वो किस चीज के चयन पर निर्भर करती है, तो प्रबंधक के चयन पर निर्भर करती है, क्योंकि जो लीडर, स्टूडेंट और स्टाफ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसने कहा था कि प्राणियों के संरक्षण वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद महत्वपूर्ण है, तो ये मैकडूगल के अनुसार ये कथन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेशनल पार्क सर्विस इज प्रोवाइडेड बाई द, ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू राष्ट्रीय उद्यान सेवा प्रदान की जाती है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज शुड कवर द होल रेंज ऑफ ह्यूमन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि इंटरेस्ट यानी कि जो मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को कि क्या सम्मिलित करना चाहिए, तो रुचियों को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हु इज नोन एज फादर ऑफ योगा, सभी को पता है महर्षि पतंजलि को योग के पितामह के रूप में जाना जाता है। द रिक्रिएशन मूवमेंट यानी कि मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, प्रोफेसर GD सोंदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। हु डिक्लेयर्ड रिक्रिएशन इज अ मैटर ऑफ मोशन, मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का, पहले भी हमने ये क्वेश्चन आपको अपने लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन चैनल में करा दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि जोसेफ ली के अनुसार ये कथन सही है। आपको अगर इस क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, सरप्लस एनर्जी थ्योरी, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्किंग दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन इज टू एक्वायर लॉस्ट एनर्जी, खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना ही मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता घटक को योग आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जाता है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, फ्लेक्सिबिलिटी। योग की बात जहां पे आती है तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टार्टिंग एक्टिविटी प्रोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैंप्स, और कैंप्स यानी कि शिविर, बालक एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कैंप फायर इज करेक्ट हियर। कम्युनिटी रिक्रिएशन इज स्पॉन्सर्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। गांव, कस्बे व शहर अपने आवासियों के लिए सामुदायिक मनोरंजन का जमींदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं, दैट व्हाट इज मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों में खराब विन्यास का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए कुपोषण जो होता है वो मुख्य कारण होता है, माल न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी रीडिंग एंड राइटिंग। एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट इज ऑप्शन नंबर डी एल्बो, यानी कोहनी जोड़ हिंज ज्वाइंट के रूप में जाना जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के नियम को द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। विच टाइप ऑफ एज फाइंड आउट बाई एक्सरे, यानी कि एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, शरीर संरचनात्मक आयु यानी कि एनाटॉमिकल एज की बात यहाँ पे की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सोशियोलॉजिस्ट कंसीडर्ड स्पोर्ट एज ए, यानी कि समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सोशियो कल्चरल फिनोमिना, सामाजिक सांस्कृतिक घटना। द एनाटॉमिकल नेम ऑफ चेस्ट बोन का जो है एनाटॉमिकल नेम क्या है तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्टर्नम इट इज नोन एज। द लोअर और सेंटर ग्रेविटी इन वोमेन मेक्स देयर मूवमेंट्स, यानी कि महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाना है, और कैसा बनाना है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मोर स्टेबल, यानी कि जितना ही लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल फाइबर्स आर बेटर एडॉप्टेड टू परफॉर्म, सॉरी व्हाइट मसल फाइबर्स जो होते हैं वो किस लिए जिम्मेदार होते हैं या किस चीज में हेल्प करते हैं? तो आपको पता है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि तेज संकुचन में हेल्प करते हैं, और ये स्प्रिंटर्स यानी कि तेज गति से दौड़ने वाले एथलीट्स या धावकों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज इम्प्रूव जनरल फिटनेस ऑफ पीपल, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना। The next question is asking that who regarded as father of psychology, मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? Option number B, option number D, Wilhelm Wundt is correct answer. Which law of learning is also called the law of satisfaction? Option number B, law of effect, यानी प्रभाव के नियम को संतुष्टि के नियम के रूप में भी जाना जाता है। Which age is detected through साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेंटल एज इज फाइंड आउट बाई साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज बॉडी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी Which is known as hunchback, यानी कि किसे hunchback के रूप में या गोल पीठ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, काइफोसिस का दूसरा नाम जो है वो hunchback भी है। Which of the following is not a cause for the occurrence of plateau in learning, यानी कि सीखने में पठार की घटना का कारण जो है वो निम्न में से कौन सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मोनोटोनी यानी कि एक रास्ता जो होता है वो सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं होता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल लिमिट, डिस्ट्रैक्शन एंड फैटिक जो होते हैं ये कहीं ना कहीं प्लेटियो ऑफ लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट लर्निंग इज द इक्वेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, यानी कि सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, क्रो एंड क्रो के अनुसार इस तरह से सीखने को परिभाषित किया गया है। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल, अगर मांसपेशी की लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो, और एंड ओनली मसल टेंशन प्रोड्यूस्ड, और
उस संकुचन को किस रूप में जाना जाता है? केवल तनाव उत्पन्न होता है, तो किस प्रकार के संकुचन के रूप में जाना जाता है? आप सभी ने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में इसे जाना जाता है। टू होम डज द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गोज, यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन, नेक्स्ट इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फादर ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के जनक के रूप में रूसो को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना ही ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण में स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्किनर, यानी कि उत्प्रेरणा का पुनर्वनन सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द एसेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक लाइज इन, व्यवसायिक नैतिकता का सार किसमें निहित होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कमिटमेंट टू प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय के प्रति समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एक्टोमार्फ बॉडी बिल्ड, एक्टोमार्फ की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मजबूत और लंबी गर्दन, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन अ जॉइंट मूव्स एंड इंक्रीज इन एंगल बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट द मूवमेंट इज कॉल्ड, जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एक्सटेंशन के रूप में इसे जाना जाता है। और अगर दो जॉइंट्स के बीच में कोण में कमी आती है तो उसे फ्लेक्सन के रूप में जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेट्स टू, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, नीड ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की आवश्यकता से। किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ किनेसियोलॉजी, यानी कि खेल बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का एक विशिष्ट भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के लिवर में बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, टाइप थर्ड लिवर की बात यहां पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट क्वेश्चन नंबर 47, हु कंसीडर्ड द थ्री डोमेन सजेस्टेड बाय ब्लूम एट ऑल, यानी कि किसने ब्लूम और उनके साथियों द्वारा सुझाए गए तीन आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना? ऑप्शन नंबर आपको बता दें ए इज करेक्ट हियर, हॉरोल्ड एम बैरो की बात यहां पे की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंस कल्चरल हेरिटेज, कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है? खेल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर ऑफ शॉर्ट पुट, यानी कि लैंडिंग शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक के लैंडिंग एंगल कितना, लैंडिंग सेक्टर का एंगल कितना होता है? और सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 34.92 डिग्री। मिनिमम वेट ऑफ शॉर्ट पुट फॉर मेन, शॉर्ट पुट के लिए मेन के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.265 किलोग्राम, और वोमेन के लिए जो होता है वो कितना होता है? 4 किलोग्राम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हु was the Indian flag bearer in Jakarta Asian Games 2018 closing ceremony, and option number C is correct here, Rani Rampal। बात की जा रही है 2018 closing ceremony की, फ्लैग बीरर कौन थे जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में? तो रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिल्वर मेडल गॉट बाई इंडियन प्लेयर्स इन एशियन गेम 2018 में, कितने मेडल्स मिले थे? सिल्वर मेडल की बात यहां पे की जा रही है इंडियन टीम को, और आपको पता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 24 सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, द टर्म एस इज रिलेटेड टू, और एस का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन नंबर बी टेनिस से इसका संबंध है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मडेका कप इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर,
फुटबॉल से इसका संबंध है। स्वेटलिंग कप इज एसोसिएटेड विद, स्वेटलिंग कप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस से इसका संबंध है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। द डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। एशियाई खेलों 2018 में भारतीय महिला कबड्डी दल ने कौन सा पदक जीता था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सिल्वर यानी कि रजत पदक जो है हासिल किया था। ईच रेड इन कबड्डी इज रेस्ट्रिक्टेड टू, कबड्डी में प्रत्येक रेड कितने समय की होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 30 seconds। व्हाट विल बी मिनिमम लेंथ फॉर रनवे ऑफ लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 40 meters। पेनाल्टी शूट आउट टाइम इन हॉकी यानी कि पेनाल्टी शूट आउट टाइमिंग कितनी होती है हॉकी में? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 8 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच क्रिकेट प्लेयर अवार्डेड पद्म भूषण इन 2018 एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, MS धोनी को 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्कोर यानी कि बात की जा रही है प्राइमरी गोल ऑफ प्लेयर्स ऑन ऑफेंस इन बास्केटबॉल। 33rd ओलंपियाड विल बी हेल्ड एट एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पेरिस ओलंपिक गेम्स की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अवार्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड, शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, प्रोफेसर कर्ण सेन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व राजीव खेल रत्न किसी एक खिलाड़ी को दिए हैं और इन तीनों ही सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सही आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, गोपी चंद पुलेला की बात यहां पे की जा रही है। नेक्स्ट, वन डे वंडर्स इज रोट बाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सुनील गावस्कर के द्वारा वनडे वंडर्स पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट, 2018 विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता के विनर की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर यानी कि एंजेलिक कर्बर की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 इज आस्किंग मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले हम आपको सही आंसर यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर यानी कि टोक्यो 1964 में हेल्ड हुए थे टोक्यो ओलंपिक, देन जो मेक्सिको है वो 1968 में हेल्ड हुए थे, देन म्यूनिक 1972 में और मॉन्ट्रियल जो हुए थे वो 1976 में हेल्ड हुए थे। तो दिस इज करेक्ट मैच द फॉलोइंग हियर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइनल इवेंट ऑफ डेकाथेलॉन इन डेकाथेलॉन इज ऑलवेज, और सभी को पता है कि 1500 मीटर रेस जो दूसरे दिन का अंतिम इवेंट यानी फाइनल इवेंट डेकाथेलॉन का होता है वो 1500 मीटर रेस होता है। ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1912 में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलोसोफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। द राइटर ऑफ इलियड एंड ओडिसी यानी कि इलियड एंड ओडिसी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी होमर की बात यहां पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन SNIPES वाज मर्ज्ड विद साई यानी कि साइनेप्स का साई में विलय किस ईयर में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1987। LCPE यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संस्थापक आचार्य यानी कि फाउंडर प्रिंसिपल के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए PM जोसेफ की बात यहां पे की जाती है। MCA की स्थापना कब की गई थी? 1920 चेन्नई मद्रास में HC बक हैरी क्रो बक के द्वारा YMCA की स्थापना की गई थी, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was Didascalium famous for in ancient Greece? यानी कि Didascalium प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था किस वजह से? एंड एक संगीत विद्यालय के रूप में यह प्रसिद्ध था, आप सभी को पता है।
राजकुमारी अमृत कौर वॉज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ विच गेम एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर टेनिस से इनका संबंध था विच पीरियड इज नोन एज वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल के रूप में किसे किस पीरियड को जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर 2500 BC to 600 BC is known as Vedic period. Turnerian movement जर्मनी में शुरू करने वाले जो है वो कौन है एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है लुडविक जॉन जिन्हें फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में भी जाना जाता है आप सभी को पता है When was YMCA? Next question is asking that who conceived the ACR movement? यानी कि ACR आंदोलन की परिकल्पना किसने दी थी एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर प्रोफेसर जीडी सोनी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक या तेजी से होती है ऑप्शन नंबर ए इन्फेंसी यानी शैशव काल की बात यहाँ पे की जा रही है क्रिसमस बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन का टाइप निम्न में से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर कोलेरिक जो है वो क्रिसमर के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉलमैन ग्रिफिथ इज नोन एज फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मीनिंग ऑफ साइक यानी कि साइको का अर्थ क्या होता है ऑप्शन नंबर सी आत्मा से इसका संबंध है आप सभी को पता है लॉ ऑफ लर्निंग सीखने के सिद्धांतों की खोज किसके द्वारा की गई थी ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 इज आस्किंग दैट सिगमंड फ्रायड का संबंध किससे है तो थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है और मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देशात्मक विधि किसे माना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोगात्मक विधि को ही जो है सबसे अधिक उद्देशात्मक विधि के रूप में जाना जाता है मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है ये किसके रूप में इसे ये किसने कहा था एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर क्रूक्स एंड स्टेन के द्वारा ऐसा कथन जो है दिया गया था निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर बी ऑब्स्ट्रैक्शन इन लर्निंग यानी कि सीखने में बाधा को ऋणात्मक सीखने के स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व क्या है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वंशानुक्रम एवं वातावरण थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं तो आप वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा द मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन खेल प्रतियोगिता पिरामिड ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू पिरामिड ट्रेनिंग का संबंध किससे है ऑप्शन नंबर सी चैलेंज टूर्नामेंट से प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए ऑप्शन नंबर एक इंप्रूविंग लर्निंग सिचुएशन सीखने की स्थिति में सुधार करना मोस्ट आइडियल फॉर्मेशन फॉर टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श संरचना या टीचिंग स्किल कौन सी है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर सेमी सर्कल अर्धवृत्ताकार पैटर्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है रूप में जाना जाता है नेक्स्ट अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर 3 बाई दी जाएंगी लोअर हाफ में नॉकआउट टूर्नामेंट में 11 टीम्स के होने पर मास फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस यानी कि शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर कमांड मेथड के द्वारा आदेश पद्धति के द्वारा व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मैचेस इन लीग टूर्नामेंट लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा ऑप्शन नंबर डी n(n-1)/2 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ही है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन का आवश्यक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर नेम एंड फ्रेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक क्लॉयस फॉर्मूला फॉर प्यूपिल्स क्लासिफिकेशन यानी कि छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैक क्लॉय का सूत्र क्या है एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर यानी कि IU+20 IU+6 भार+ऊंचाई यानी कि 20 age + 6 weight + height इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है
क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि शिक्षा की बाह्य रेखा, टीचिंग आउटलाइन की बात यहां पे की जा रही है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे आज फिनिश करते हैं। 100 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लास्ट 30 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर के लेके जरूर आएंगे। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी राजस्थान पीएससी का एग्जाम देने से पहले आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।